नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो में। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ इस तरीके का स्टेटस वीडियो अपने फ़ोटो को इस्तेमाल करके बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी फ़ोटो को इसमें डालना है और सारा का सारा काम ये खुद एप्लीकेशन करके देगा। इस एप्लीकेशन में जैसे ही आप अपनी फ़ोटो डालोगे तो ये एप्लीकेशन खुद ब खुद ये सारे इफेक्ट लगा देगा, और गाना भी आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका नाम भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आप जो है स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो मेरे भाई इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त फिल्टर दिए गए हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ोटो को काफ़ी ज़्यादा फिल्टराइज कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आपको अपनी फ़ोटो का इस्तेमाल करके स्टेटस वीडियो बनाना है तो बस इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और ये सब्सक्राइब वाला बटन को दबा लेना है, और इस घंटी को दबा के ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। और यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जाना है और यहाँ पर जो है आप प्यारा सा कमेंट लिख सकते हो। नाइस एप्लीकेशन, अवेसम वीडियो, बेस्ट एप्लीकेशन, नाइस ट्रिक, कुछ भी जो आपको पसंद आता है वो आपको यहाँ पर जरूर से कमेंट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नाइस वीडियो लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने नाइस लिखा और यहाँ पर जो है वीडियो लिख करके मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको आप डाउनलोड कहाँ से करोगे ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये सीख लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको अपने फ़ोन में ओपन करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे थीम जो है आ जाएंगे, इनको आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन मिलता है, और आप जो है जैसे ही इस पर इस तरीके से क्लिक कर देते हो तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ ही सेकंड में ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। इसका सॉन्ग भी दिखाई दे यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिलबर दिलबर वाला सॉन्ग इसमें जो है आपको मिलने वाला है इस वाले थीम में। इसके बाद ऊपर की साइड में आपको कैटेगरी भी दी गई हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं, बारी बारी से आप इस कैटेगरी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप इसको जो है डाउनलोड कर लेते हो तो वो जो है इस पर क्लिक करने के बाद वो प्रीव्यू लेगा और थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तब तक आपको जो है वेट करना है जब तक ये पूरी तरीके से लोड नहीं ले लेता है। लोड लेने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जो मैंने स्टेटस वीडियो जो है बनाया था वो वाला दूसरा वाला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने बनाया था वो ये वाला था, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी यूज़ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी यूज़, तो हम इसी को ही बना करके दिखाते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से लोडिंग लेगा, और ये पूरी तरीके से मतलब लोड लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको ये थीम पसंद है तो आप इसी थीम को रहने दीजिए। और यहाँ पर आपको एक नीचे की साइड में दिख रहा होगा ऐड फोटो, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपकी गैलरी खुल जाएगी, और आपको अपनी गैलरी से जो है फोटोज़ को ले लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एक छोटी सी ऐड आएगी, इस ऐड को आपको जो यहाँ से जो है स्किप कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो टाइमिंग चल रहा है, इसके बाद स्किप करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली बन जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है आपको ऊपर एक राइट का सिंबल मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्टेटस वीडियो बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर सॉन्ग भी चल रहा है, मैंने सॉन्ग को चलाया नहीं है ताकि कॉपीराइट वगैरह ना आए। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर अपना नाम कैसे टाइप करना है। आप चाहो तो ये डिजाइन भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला डिजाइन रखा था। आप चाहो तो फर्स्ट वाला ही डिजाइन रख सकते हो या सेकेंड वाला डिजाइन, जो भी आपको पसंद आता है आप वो वाला डिजाइन इस तरीके से क्लिक करके वो डिजाइन रख सकते हो, ठीक है। अगर ये पसंद आ गया तो यही वाला डिजाइन रहने दीजिए। यहाँ पर नाम लिखने के लिए आपको एक यहाँ पर बटन दिख रहा होगा टेक्स्ट एडिट का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा सबसे नीचे की साइड में, और यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट पे टाइप करके जो भी आपका नाम है उसको लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहित है तो हम रोहित यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने के बाद आपको ऊपर की साइड में एक राइट का सिंबल मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, तो देखेंगे कि आपका नाम यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पर रोहित लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। और ये स्टेटस वीडियो गाने के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त बन करके तैयार हो चुका है। जो है आपको ये डाउनलोड का बटन मिलता है, आपको जो इस पर क्लिक करके जो है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है फिर से एक ऐड आएगी, और इस ऐड को आपको पूरी तरीके से कंप्लीट देख लेना है। यहाँ पर एक कट का बटन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है प्रीव्यू होगा। तो यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद पूरी तरीके से बन करके आपके सामने आ जाता है, और ये आपकी गैलरी में भी जा करके सेव हो चुका है।
तो अब आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लोगो अगर आप देख लीजिए डायरेक्ट, आप इसको प्ले स्टोर पर भी माई फोटो के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को जरूर से जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।